myself Deepak Verma and I am from CatTech, a software training institute in Newfoundland, Florida. स्वागत है आपका अगेन एक न्यू सीरीज में जिसमें मैं आपको कंप्लीट रैबिट आर्किटेक्चर के बारे में बताने वाला हूँ. इस पूरी सीरीज में मैं रैबिट आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल्स डालने वाला हूँ. तो आज से स्टार्ट करते हैं रैबिट आर्किटेक्चर, जिसकी फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रैबिट आर्किटेक्चर के यूजर इंटरफेस के बारे में. एंड एक कंप्लीट एक सैंपल प्रोजेक्ट की हेल्प से मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में रैबिट आर्किटेक्चर में होता क्या है, किस टाइप की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और इसके करके आपको क्या यूज कर सकते हो और कैसे आप इस चीज को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. क्लियर? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी भी यूजर ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को यहाँ से ओपन करें, दीपक वर्मा कैट ट्यूटोरियल्स, और अपने वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पे यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि न्यू वीडियोस आपके पास उसके नोटिफिकेशन आते रहे. एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपकी साइड से हमें यही सपोर्ट है लाइक का. तो बन रही वीडियो साथ, चलो स्टार्ट करते हैं रैबिट आर्किटेक्चर. ये है आपका रैबिट आर्किटेक्चर 2013. मैंने 2013 इसलिए यूज किया है क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन है 2016, 17, 18, 19 वो बहुत ही कम लोगों के पास अवेलेबल रहता है. रीजन क्या रहता है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन हाई होती है और सबके पास इतनी हाई क्वालिटी का लैपटॉप्स नहीं होते कि वो लेटेस्ट वर्जन को उस पर रन कर पाए. जितना आप लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे वो सिस्टम हैंग होना स्टार्ट कर जाएगा और वो काफी स्लो आपका रन करेगा. तो मैं स्टार्टिंग में यूज करता हूँ 2013, 14, 15, 16, 17, 18. इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर आप 2013 को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप किसी भी वर्जन को रन कर पाएंगे. जो भी डिफरेंसेस होंगे मैं टाइमली आपको उनके बारे में बताता रहूंगा. तो ये है आपका रैबिट आर्किटेक्चर का एक डेमो क्लास जिसमें मैं आपको थोड़ा सा यूजर इंटरफेस के बारे में बताने वाला हूँ और एक सैंपल प्रोजेक्ट, कोई भी सैंपल प्रोजेक्ट मैं यहाँ से यूज करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से मैं आपको कंप्लीट रैबिट के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या इसके अंदर होता है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये है रैबिट आर्किटेक्चर वेलकम स्क्रीन. जैसे ही आप रैबिट को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा. इसे बोलते हैं रैबिट आर्किटेक्चर की वेलकम स्क्रीन. इनके बारे में मैं बताता हूँ जैसे ही मैं ओपन करता हूँ. सबसे पहले मैं बताता हूँ इन दो चीजों के बारे में. सबसे पहले है प्रोजेक्ट, सेकंड है फैमिली. प्रोजेक्ट क्या होता है कि कोई भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी आपको प्रोजेक्ट करना है, कोई भी आपको वर्क स्टार्ट करना है तो आप प्रोजेक्ट के अंदर जाके करेंगे. और कोई भी फैमिली बनानी है, फैमिली का मतलब है जैसे ऑटोकैड में आपने सीखा ब्लॉक एंड राइट ब्लॉक. एक ब्लॉक वो होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट में आप बनाते हैं और उसी प्रोजेक्ट में आप उस चीज को सेव कर देते हैं, आप उस ब्लॉक को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते. और राइट ब्लॉक क्या होता है कि आप उन्हें बना के सेव कर सकते हैं अपने किसी भी ब्लॉक को ताकि आप उसको टाइमली यूज करते रहे. क्लियर? मतलब जब आप रैबिट के अंदर यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो होगा क्या, जो आपको इसकी फैमिलीज है जिसके अंदर बहुत सारी कंपोनेंट्स जो बने हुए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं. अब अगर आपको चेयर नहीं मिलती है वहां पे जो आपको चाहिए तो आप फैमिली के अंदर जाके उसको बना भी सकते हैं. अब एक फैमिली आती है इसके अंदर जाके अगर आप बनाएंगे तो होगा क्या, वो उसी प्रोजेक्ट के लिए होगी जिस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं. और अगर आप अपना फाइल को बना के सेव कर देना चाहते हैं तो आप फैमिली के अंदर जाके बनाएं ताकि आप इस चीज को सेव कर सके. अगर आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होगी .rvt एंड अगर आप फैमिली बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन, अगर आप उसको सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन फाइल का नाम होगा लास्ट में .rfa. क्लियर दोस्तों? अब सबसे पहले मैं आपको रैबिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ एक्चुअल में रैबिट क्या है. स्टार्टिंग में क्या था कि जो भी प्रोजेक्ट होते थे पहले हैंडमेड होते थे, उसके बाद ऑटोकैड आया, ऑटोकैड में बनने स्टार्ट हुए. उसके बाद क्या होता था कि एक प्रोजेक्ट को बनने में एक प्लान होता है आर्किटेक्चर का, एक होता है प्लम्बर, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है मैकेनिकल के प्लान. इन सभी प्लान्स के अलग अलग कॉपी होती थी और सभी अपना अपना वर्क करते थे. फिर वो 3D पे बनना स्टार्ट हुआ. 3D के लिए क्या हुआ, ऑटोकैड 3D का यूज करना स्टार्ट किया. बट ऑटोकैड 3D इतना एबल नहीं था कि इस क्वालिटी का आपको ऑटोकैड 3D पे जो आपको 3D चाहिए वो ऑटोकैड 3D नहीं दे पाता. उसके बाद स्टार्ट हुआ, एक मीटिंग बिठाई, उस मीटिंग का नाम था BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल मॉडलिंग, जिसमें बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उसका सोल्यूशन निकालने का. तो उन्होंने सबसे पहला इश्यू था बिल्डिंग को डिजाइन करने का, तो उन्होंने निकाला रैबिट आर्किटेक्चर जो एक बिल्डिंग डिजाइन का सॉफ्टवेयर है.
सेकंड था स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का, तो उन्होंने निकाला लेविट आर्किड और स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। और थर्ड इशू आया मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का, उनको भी 3D पे वो करना चाहते थे, तो उन्होंने यहाँ पे निकाला रेविट MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। सॉफ्टवेयर आपका यही है, सॉफ्टवेयर एक ही है, बट इसमें अंदर जाने के रास्ते बहुत हैं। ये सब आपको समझ लो कि रेविट आर्किटेक्चर के यहाँ पे गेट लगे हुए हैं जिसके अंदर आपको एंट्री करनी है। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही आप न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीज नजर आएंगी, वो है ओपन और एक न्यू। न्यू और ओपन में जाएंगे, अगर आप न्यू पे भी क्लिक करेंगे तो भी आपसे पूछता है कि आपको टेम्पलेट फाइल कौन सी चाहिए। टेम्पलेट फाइल होती है ये वाली, कि आपको किसका काम करना है। अगर आपको आर्किटेक्चर का करना है तो आर्किटेक्चरल पे जाएं, स्ट्रक्चर का करना है तो आप स्ट्रक्चर पे जाएं, मैकेनिकल करना है मैकेनिकल पे जाएं। अब अगर आपको ये चीज यहाँ पे नजर नहीं आती है तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पे लाएंगे कैसे, उसके लिए आप यहाँ पे ये होता है जो आर का आइकन बना हुआ है, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। आप इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप ऑप्शन पे जाएं, ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा फाइल लोकेशन, आप इस पे क्लिक करें और ये सारी वो वाली फाइल्स है जो यहाँ पे एज ए टेम्पलेट आपकी शो हो रही है, आपको इसके अंदर एड ऑन करना है। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपकी वो टेम्पलेट फाइल्स है, बाय डिफॉल्ट तो ये आपको जहाँ पे फोल्डर इंस्टॉल होता है आपको वहीं पे ले जाएगा, अगर वहां पे नहीं है तो आप एक्स्ट्रा टेम्पलेट फाइल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप्स हैं जो आपको पूरे रैबिट में मिलेंगे, एक है इंपीरियल और एक है मैट्रिक। अब जो आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो या तो आप फीट इंचेस में करते हैं या एमएम या सेंटीमीटर या किलोमीटर या मीटर में आप करते हैं। आपकी टू टाइप की यूनिट होती है, एक होती है इंपीरियल यूनिट, एक होती है मैट्रिक यूनिट। इंपीरियल यूनिट वो वाली यूनिट होती है, अगर आपको फीट और इंचेस में काम करना है, आपको सारे कंपोनेंट फीट और इंचेस में देखने हैं, तो आप इंपीरियल यूनिट को डबल क्लिक करें और यहां से अपने टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको काम करना है एमएम सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, मोस्टली एमएम में होता है, तो आप मैट्रिक टेम्पलेट यहां से यूज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके यहां पे टेम्पलेट्स आप इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर। मान लो आपको स्टार्टिंग मान लो फीट और इंचेस में करना है तो आप यहां से मैट्रिक डिफॉल्ट चूज कर सकते हैं जो आपको ऑलरेडी आया हुआ है, आप इसे ओपन करेंगे आपका यहां पे आ जाएगा, ओके करें और आपको जो टेम्पलेट चाहिए वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपको आर्किटेक्चर का काम करना है तो आप आर्किटेक्चरल टेम्पलेट में जा सकते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट MM को चूज किया हुआ है। और सेकेंडली है कि अगर आपको फिट इंचेस में वर्क करना है तो आप डिफॉल्ट में जा सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे क्लिक है। अगर आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करना है तो स्ट्रक्चर टेम्पलेट पे आप क्लिक कर सकते हैं, मैकेनिकल से रिलेटेड करना तो मैकेनिकल टेम्पलेट पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये है आपका जो रिसेंटली फाइल आपने यूज की, वो सारे रिसेंटली फाइल है और ये है रिसोर्सेज, कुछ आप वर्ड्स न्यू नेट की हेल्प से यहां से देख सकते हैं। चलो एंटर करते हैं। मान लो मैं इस सैंपल प्रोजेक्ट से एंट्री करता हूं, आप इस पे क्लिक करें तो आपका ये सैंपल प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट आपका रैबिट के साथ जब भी आप इंस्टॉल करेंगे कुछ सैंपल प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो रैबिट अपने यहां पे आपको यूज करने के लिए प्रोवाइड करता है। अब जैसे ही रैबिट आर्किटेक्चर ओपन होगा इसे कहेंगे रैबिट आर्किटेक्चर का यूजर इंटरफेस। ये आपका कंप्लीट यूजर इंटरफेस है। वही चीज समझनी है जो ऑटोकैड में आपने समझी थी कि इस पूरे यूजर इंटरफेस में कितने पोर्शन को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। ये आपका एप्लीकेशन मेन्यू है, ये पूरा का आपका न्यू ओपन सेव सेव एज, आपका ओपन फाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, वो सब चीजें आपके यहाँ पे आती है। इतने पोर्शन को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। कितने पोर्शन को मैं बताता हूँ आपको, इतने पोर्शन को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हम क्विकली यूज करते हैं, हमें जल्दी जल्दी यूज करना पड़ता है, तो हम करते क्या है उस कंप्लीट को हम यहीं पे यूज कर लेते हैं, उनके आइकन्स बना के यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे जो जो आपको यहाँ पे चाहिए चूज कर सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे न्यू चाहिए, ओपन सेव सेव एज, मतलब अपने टूल बार को क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। सारी चीजों के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ एक डेमो वीडियो है। ये होता है आपका टाइटल बार जिसमें आपका टाइटल लिखा होता है, टाइटल में है आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है, वर्जन कौन सा है, फाइल का नेम क्या है आपका। ये इन्फो सेंटर, इन्फो सेंटर का मतलब आप नेट से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑटोडेस्क से लाइसेंस वर्जन आपने परचेज किया हुआ है।
ये होता है आपका रिबन टैब, ये आपका रिबन टैब है, ये रिबन बटन है, ये टैब्स है। इन सभी टैब्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आपके टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। टैब्स में सबसे पहले आर्किटेक्चरल टैब। आर्किटेक्चरल टैब में क्या है, यहाँ पे सारे आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपके कमांड्स हैं। सेकंड है स्ट्रक्चर टैब, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपकी सारी कमांड्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, जो आपको फाउंडेशन वगैरह करनी है या आपको रेनफोर्समेंट वगैरह करनी है। थर्ड है सिस्टम टैब, जिसके अंदर कंप्लीट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग है, जिसका आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी काफी सारी टैब है, जैसे इंसर्ट टैब है, किसी चीज को इंसर्ट करना है, एनोटेट टैब है, किसी चीज को यहाँ पे डायमेंशनिंग शो करनी है, डिटेलिंग शो करनी है आपको, एनालाइज टैब है, एनर्जी एनालिसिस करनी है आपको, और रेविट स्ट्रक्चर का आपको काम करना है, ठीक है, आपको एमईपी का काम करना है, आपको हीट एंड कूलिंग लोड यहाँ पे निकालना है, लोड कैलकुलेशन करनी है, वो आप यूज कर सकते हो। फिर आता है मासिंग एंड साइट, आप मासिंग एंड साइट के टूल्स का यूज कर सकते हो, टॉपो सरफेस साइट कंपोनेंट वगैरह का। ऐसे ही आपके काफी सारे टूल्स हैं जिनके बारे में आपको भी बताने वाला हूँ हल्का सा। तो ये है रेविट आर्किटेक्चर, जिसमें इस टाइप की आपकी फाइल बनती है, कुछ आपकी ऐसी ड्रॉइंग है, ये ड्रॉइंग है बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी ऑटोकैड में बनती है, ये कंप्लीट ड्रॉइंग है ऐसी जैसे ऑटोकैड में आपका ड्रॉइंग बनी हुई है। ये क्या करता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रहा आपका 3D में कन्वर्ट, आप यहाँ से कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको हल्का सा बताऊंगा। तो यहाँ पे इस टाइप से आप चीजों को यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे वॉल बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, विंडोज बना सकते हैं जो आपके यहाँ पे है। जो भी आप वॉल या डोर या विंडो बनाएंगे, आप इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप उसकी डायमेंशनिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किस टाइप का आपको डोर चाहिए, किस साइज का आपको डोर चाहिए, ठीक है, आप डोर को चेंज कर सकते हैं। और एडिट टाइप में जाके आप उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं कि मेरे को किस टाइप की डोर में प्रॉपर्टी चाहिए, मटेरियल क्या चाहिए, और ये चीजें आप हर एक चीज के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको विंडो लगानी है, आप विंडो लगा सकते हैं, आप क्लिक करें, आपको कहाँ पे विंडो लगानी है, कितनी हाइट पे विंडो लगानी है, वो आप क्लिक करते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं। सेम आप डोर लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है आपका कि आप यहाँ पे कंपोनेंट कोई प्लेस कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कंपोनेंट है, आप यहाँ पे क्लिक करें, प्लेस ए कंपोनेंट पे क्लिक करें, कोई भी कंपोनेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका ये सॉफ्टवेयर स्लो रन कर रहा है, रीजन क्या है, और भी बहुत सारे इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैंने 2013 ये भी रीजन है यूज करने का, कि अगर वो अगर मैं हायर वर्जन यूज करता हूँ तो वो थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस करता है वहाँ पे। तो आपको कोई भी कंपोनेंट प्लेस करने हैं, आप कंपोनेंट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, आपको रोटेट करना है, आप स्क्रीन को स्विफ्ट और स्क्रॉल बटन की हेल्प से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको कॉलम्स लगाने हैं, कॉलम्स आप यूज कर सकते हैं, रूफिंग आप यूज कर सकते हैं, सीलिंग यूज कर सकते हैं, फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं, ग्लासेस वाली वॉल यूज कर सकते हैं, आप यहाँ से रेलिंग यूज कर सकते हैं, रैंप आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेयर्स केसेस आप लगा सकते हैं, जैसे कि ये स्टेयर्स यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे आप कोई भी 3D टेक्स्ट लिख सकते हैं, आपको कोई 3D टेक्स्ट लिखना है, आप सेपरेटर डाल सकते हैं रूम को सेपरेट करने के लिए, आप टैगिंग डाल सकते हैं, जैसे ये आपका बेडरूम है, ये जो टैगिंग है आप ये आपको टैगिंग यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद ओपनिंग्स कर सकते हैं, आप बाई फेस ओपनिंग करते हैं, शाफ्ट ओपनिंग समझते होंगे, जैसे आपका वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग होती है वो आप कर सकते हैं, वॉल ओपनिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, वर्टिकल ओपनिंग जिसे मतलब रूफ और फ्लोर के अंदर आप ओपनिंग्स कर सकते हैं, डोरमर ओपनिंग आप कर सकते हैं, ग्रिडिंग कर सकते हैं, और आप लेवलिंग कर सकते हैं एलिवेशन पे जाके यहाँ पे, तो आप लेवल चेक कर सकते हैं, आप फ्रंट एलिवेशन देखना चाहते हैं, राइट एलिवेशन देखना चाहते हैं, आप बैक एलिवेशन देखना चाहते हैं, वो एलिवेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि मेरे को विजुअल स्टाइल क्या चाहिए, किस तरीके से मेरे को देखना है, मेरे को कलर देखना है, मेरे को रियलिस्टिक देखना है, वो आप यहाँ से विजुअल स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। इस एंगल से आप ऐसे देख सकते हैं, हर एक एंगल से आप अलग अलग व्यू को यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है आप किस जो आपका काम करने का प्लेन है, उस वर्क प्लेन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इनके बारे में सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें रैबिट के अंदर एक्चुअल में होती हैं, ठीक है, और क्या क्या इनका यूज कैसे कैसे आप कर सकते हैं, वो अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में मैं आपको टाइमली बताता रहूंगा, क्लियर। उसके बाद है, इतना करने के बाद आपको 2D प्लान देखना है, आप 2D प्लान देख सकते हैं। ये तो था आर्किटेक्चर टैब के अंदर जो आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड है स्ट्रक्चर टैब। स्ट्रक्चर टैब के अंदर है कि आप बीम्स लगा सकते हैं, वॉल्स
कॉलम्स, जो पूरा स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है, ट्रसेस लगा सकते हैं, ब्रेसेस लगा सकते हैं, बीम सिस्टम, फाउंडेशंस लगा सकते हैं, रेनफोर्समेंट लगा सकते हैं और ओपनिंग्स वगैरह, वो सब चीजें जो ऑलरेडी थी उसमें वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिस्टम टैब में है कि आपको HVAC का वर्क करना है, आपको एयर टर्मिनल रिफ्लेक्स डक्ट्स वगैरह यूज करना है, मैकेनिकल इक्विपमेंट कोई रखना है, प्लम्बिंग का कोई काम करना है, स्प्रिंकल्स लगाने हैं, फिक्चर्स लगाने हैं, वायरिंग करनी है, या फिर इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग करनी है, टेबल ट्रे लगानी है, आपको डिवाइसेस स्विचेस लगाने हैं, कोई भी स्विचेस आपको लगाना है, लाइटिंग टेक्सचर्स फिक्चर्स आपको डालना है, वो सब चीजें आप सिस्टम टैब में कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में है कि आपको पोस्टर्स लगाने हैं, वो कर सकते हैं आपको डिकैल की हेल्प से, और आपको किसी भी फाइल को, किसी भी फाइल फॉर्मेट को यहाँ पे लिंक करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इंपोर्ट के अंदर है कि आप किसी भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट करके इसके अंदर उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एनोटेट टैब। इस टैब में क्या है आपका, आप कंप्लीट डायमेंशनिंग कर सकते हैं, डिटेलिंग कर सकते हैं, टेक्सटिंग कर सकते हैं, टैगिंग्स कर सकते हैं, कलरफुल लीजेंड्स बना सकते हैं, सिंबल्स बना सकते हैं। एनालाइज में आप कंप्लीट लोड कैलकुलेशंस, बाउंड्री क्रिएशंस, स्पेसिंग्स, जोन्स एंड आप रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं डक्ट सिस्टम को यहाँ से। क्लियर। मासिंग एंड साइट में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल मास बनाने के बाद उस पर बाई फेस आपको कोई भी रूफिंग वॉल और फ्लोरिंग करनी है तो आप लगा सकते हैं। कंप्लीट टोपो सरफेस। टोपो सरफेस क्या होता है, जो ये आपका बाउंड्री यहाँ पे बनाई गई है ये टोपो सरफेस है, आपको कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर बनाना है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है ट्रीज वगैरह आपको लगानी है, पार्किंग बनानी है, बिल्डिंग पैड, स्प्लिट रीजन, प्रॉपर्टी लाइन दिखानी है, कॉन्टूर करना है, लेबल कॉन्टूर, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोलैबोरेशन में क्या होता है कि आप जब काम कर रहे होते, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लम्बिंग का काम कर रहे होते, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए वर्क सेट्स का यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये पूरी टैब उसके लिए है, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स लगा सकते हैं, वर्कशीट आप यहाँ पे बना सकते हैं। व्यू टैब के अंदर आपका क्या आता है, व्यू टैब के अंदर आपका आता है यहाँ पे कि आपको रेंडरिंग करनी है, आपको कोई चीज हाइड करनी है, थिन लाइन करनी है, कोई चीज की विजिबिलिटी कैसे रखनी है वो यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से कैमरा लगा सकते हैं, आप वॉक थ्रूज बना सकते हैं, ठीक है, सेक्शंस काट सकते हैं, आपके कॉलआउट्स बना सकते हैं, प्लेन व्यू, ड्राफ्टिंग व्यू, डुप्लीकेट व्यू बना सकते हैं, आप लीजेंड्स बना सकते हैं। लीजेंड्स होते हैं जैसे आपका इंडियन वर्ल्ड का मैप होता है, उसमें रोड्स वगैरह बनी होती है बट उसका छोटा सा आइकन एक बॉक्स में बना हुआ होता है जिसमें आपका लिख दिया जाता है कि ये रोड है, ये रिवर है, उस तरह के आप लीजेंड्स यहाँ पे बना सकते हैं। कंप्लीट शेड्यूलिंग कर सकते हैं, BOQ निकाल सकते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर। शीट्स, फाइनली आप यहाँ पे शीट बना सकते हैं जिसकी हेल्प से क्या होगा, आप पूरे प्लान को सीट पे लेके जा सकते हैं। क्लियर। ये तो था टैब के बारे में, ये क्या है यहाँ पे, मोस्टली लोगों मोस्टली को पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, बट ये मैं वीडियोस जो रेडी कर रहा हूँ स्पेशली उनके लिए रेडी कर रहा हूँ जिनको रैबिट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिनको बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है। तो सीखने से पहले एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए कि रैबिट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी सीखने के लिए और क्या क्या है जिसकी हेल्प से आप रैबिट पे काम कर सकते हैं। ये तो था आपका जैसे फ्लोर प्लान। आपको यहाँ पे 3D व्यू देखना है तो आप अलग अलग 3D व्यू से यहाँ पे देख सकते हैं, आप 3D व्यू बना सकते हैं, इस एंगल से आपको देखना है, फायरप्लेस के एंगल से आपको देखना है। देखो तो जो ये 3D व्यू है, ये जो आपके बनाए गए हैं, ये थोड़े से आपको अनरियल से लग रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे को थोड़ा सा रियल से व्यू देखना है तो उसके लिए है कि आप यहाँ रेंडर कर सकते हैं इसका। रेंडर करने के बाद ये आपके कुछ रेंडर्स हैं, इस एंगल से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। इस एंगल से देखना चाहते हैं मतलब एक फाइनल व्यू जो रहता है वो कैसे आपको नजर आएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, जिस भी चीज को आप क्लिक कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट ब्राउजर है कि जो जो चीजें आप इसके अंदर डालते चले जाएंगे वो प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर डलता चला जाएगा। क्लियर। उसके बाद किचन है। किचन आपका कैसे है यहाँ पे, किस टाइप में आपको दिखता है, ये पूरा एक रेंडर व्यू है। फाइनली रेंडर करने के बाद आपको अपने व्यूज कैसे दिखाई देंगे वो आपको यहाँ से शो कर रहे हैं। अब सेक्शन पता है आपको, सेक्शन क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं कि आपको डिटेलिंग के लिए आप प्लान को काट देते हैं। ये रहे यहाँ पे सेक्शंस, आप सेक्शन को डबल क्लिक करके देख सकते हैं कि मेरा सेक्शन कहाँ पे है। मान लो मेरे को एक सेक्शन काटना है, मैं एक सेक्शन काट के दिखाता हूँ। मान लो मेरे को एक सेक्शन काटना है, यहाँ से मैंने सेक्शन लिया और मेरे को यहाँ से एक सेक्शन काटना है, तो मैं यहाँ से एक सेक्शन काटता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, इसको मेरे को उधर की तरफ दिख रहा है तो मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, ये मेरा यहाँ पे फ्लिप हो जाएगा।
फ्लिप होने के बाद मैं इसको व्यू को बड़ा कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ तक देखना है। अब मैं सेक्शन पे डबल क्लिक करके सेक्शन देख सकता हूँ कि मेरा सेक्शन किस तरीके से यहाँ से दिखाई देता है। क्लियर। सेक्शन पे मैं फिर डाल सकता हूँ कि मेरे को शेडेड चाहिए, यहाँ पे वायर फ्रेम चाहिए, किस तरीके से चाहिए वो मैं यहाँ पे कम्प्लीटली यूज कर सकता हूँ। इसके बीच में जो आपको हैचिंग यूज करनी है, टेक्सचरिंग यूज करनी है, वो आप कम्प्लीटली यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है रेंडरिंग। अब मैं शीट्स वगैरह के बारे में बताता हूँ कि शीट्स वगैरह कैसे बनते हैं। एक दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन करते हैं, सैंपल प्रोजेक्ट। एक मैं ये वाला प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, जिसके पास मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिसके पास जो लैपटॉप्स हैं i3 है, i5 है, तो आप 2013 ही यूज करें, 14 या 15 यूज कर सकते हैं, बट लेटेस्ट पे अगर आप जितना आप लेटेस्ट पे जाएंगे उतना सिस्टम आपका हैंग करेगा। अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आपके जो आपका प्रोजेक्ट्स हैं उसके रेविट के अकॉर्डिंग अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो आपका सिस्टम जरूर हैंग करेगा। इससे हो सके बेटर तो 2013 का आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्लियर। ये एक और सैंपल प्रोजेक्ट है, देखो आपका यहाँ पे भी काफी स्लो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एक ये है आपका सैंपल प्रोजेक्ट जिसको मैं देखना चाहूंगा, मान लो मैं इसका 3D देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3D पे क्लिक करता हूँ जिससे मेरा 3D व्यू यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा मेरा 3D व्यू, आप अपनी 3D व्यू को रोटेट करके देख सकते हैं। अगर मेरे को इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, अगर आपको इसका फ्लोर प्लान देखना है तो आप फ्लोर प्लान के एंट्री लेवल पर डबल क्लिक करके इसका फ्लोर प्लान यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा फ्लोर प्लान, ये कंप्लीट आपका फ्लोर प्लान है, आपका ग्राउंड फ्लोर है, कहाँ पे क्या चीजें बनी हुई है, कंप्लीट चीजें डिटेलिंग के साथ आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, फिर ये एंट्री लेवल प्लान, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आपका रूफ है, ये साइड प्लान है आपका। यहाँ पे 3D व्यू देखना है तो आप 3D व्यू पे जा सकते हैं, एलिवेशंस देखने हैं तो आप एलिवेशंस यहाँ से देख सकते हैं, सेक्शन देखने हैं तो आप सेक्शन यहाँ से देख सकते हैं, अगर इसका रेंडरिंग देखनी है तो मैं रेंडरिंग यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको रेंडरिंग दिखाता हूँ, ये इसकी रेंडरिंग है, ये फाइनल ऐसा बन के आपका दिखेगा। उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग देखनी है कुछ डिटेलिंग के लिए, तो आप ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ से अलग से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है पूरे डिटेलिंग के साथ। उसके बाद वॉक थ्रू आपको देखना है तो आप वॉक थ्रू यहाँ से देख सकते हैं, बट अगर मैं वॉक थ्रू अभी दिखाने लगा तो बहुत स्लो रन करेगा, इसलिए मैं जब फाइनल करूंगा उसे तभी मैं आपको वॉक थ्रू वहां पे बना के दिखाऊंगा। क्लियर। उसके बाद बात आती है एरिया प्लान्स की। आप एरिया के जो टैगिंग्स होती है, अकॉर्डिंग टू एरिया जो आपने टैगिंग्स की होती है, आप उसके थ्रू इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद है शेड्यूलिंग, जो BOQ आपका एरिया शेड्यूल है, आपके पास पूरा एरिया शेड्यूल देख सकते हैं, आपके पास डोर शेड्यूल्स है, आप कंप्लीट डोर के शेड्यूल्स यहाँ से देख सकते हैं कि कितने डोर्स लगे हैं, कहाँ कहाँ पे लगे हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं कि मेरे को क्या क्या यहाँ पे चाहिए, आपको डोर की कॉस्ट चाहिए, आपको फैमिली चाहिए, या आपको उसके नंबरिंग चाहिए, या आपको किस लेवल पे है वो चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। फर्नीचर शेड्यूल बना सकते हैं, हार्डवेयर शेड्यूल बना सकते हैं, क्या क्या इसकी कॉस्टिंग है वो सारी चीजें आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद फाइनल आता है शीट का। मान लो आपको फ्लोर प्लान का शीट चाहिए तो आप इस पर डबल क्लिक करें शीट्स पे। उसके बाद आपकी यहाँ पे शीट आ जाती है, ये कंप्लीट फ्लोर प्लान की सीधा शीट है विद टाइटल ब्लॉक्स। ये सारी चीजें आप इसके अंदर बना सकते हैं कि कहाँ पे ओनर नेम, प्रोजेक्ट, फ्लोर प्लान क्या लिखना है, और उसके बाद आप इस पूरी शीट को यहाँ से प्रिंट निकलवा सकते हैं, A2 साइज, A3 साइज, जितना भी आप साइज यहाँ पे चाहते हैं। और ये सेक्शंस के लिए शीट बनाई है अलग से जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये है सेकंड शीट जिसपे डिटेलिंग के साथ जो डिटेल व्यू है आपके, वो व्यू आपके यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो ये है दोस्तों कंप्लीट आपका रेविट आर्किटेक्चर के अंदर कैसे क्या चीजें बनती हैं, क्या आपके रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, क्या क्या आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये है आपका कंप्लीट रेविट आर्किटेक्चर। आशा करता हूँ आपको पता चला होगा कि रेविट आर्किटेक्चर में एक्चुअल में होता क्या है। और अब नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्लीट यूजर इंटरफेस के साथ, कंप्लीट चीजों को बताने के साथ साथ आपका मैं लेबलिंग कैसे करते हैं स्टार्टिंग चैप्टर में आपको वो बताने वाला हूँ। तो प्लीज बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस डेली लाता रहूंगा, जितनी कोशिश हो सकती है उतने ही सिंपल वे में आपको समझाने की ट्राई करूंगा, ताकि सब इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सके और सब इन वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, देखते रहिए,
मेरे वीडियोस को, और अगर अगेन मैं बोलता हूँ, अगर किसी ने ऑटो कैड की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज ऑटो कैड की वीडियोस भी देखें, ताकि उनसे भी आप बहुत कुछ सीख पाए, और ऑटो कैड की वीडियोस में भी बहुत कुछ अभी ऐड होगा, क्लियर। और आप अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप क्लिक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।